साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। बहुत सारे लोग सऊदी रहते हैं तो उनके भी कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, या फिर लोग बैठे बैठे ये सोचते हैं कि भाई सऊदी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, या फिर यहाँ के वहाँ वहाँ के यहाँ प्रोसेस में दिन भर लोगों की टेंशन होती रहती है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा मैं, और आपके लिए बेस्ट ही होगा टेंशन लेने की। अब जो हो गया तो हो गया, बाकी ठीक ही, गवर्नमेंट जो फैसले लेगी वो जनता के हित में लेगी, वर्करों के हित में लेगी। तो साथियों रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ सऊदी से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। तो साथियों बात करेंगे सऊदी अपडेट के बारे में। तो आपको पता है भाई सऊदी में ये जो कोरोना वायरस है वो तो लगभग वर्ल्ड में सभी कंट्रियों में पहुंच चुका है, तो सऊदी भी अछूता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट अपने स्तर पे लॉकडाउन करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जैसे इंडिया और कंट्रियाँ कर रही हैं। तो सऊदी के अगर बात करें कोरोना वायरस अपडेट के बारे में, तो लगभग 3500 के करीब इसमें केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से लगभग 34 यानी 34 डेथ अब तक हो चुकी है, यानी मरने वालों की संख्या 34 सऊदी में पहुंच चुकी है, जिसमें 488 के करीब रिकवर हो चुके हैं इस बीमारी से। ये तो है कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़। बाकी हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने आप लोगों के वर्करों के लिए क्या किया है। तो भाई सबसे पता ही आपको कि लॉकडाउन होने की वजह से सब कुछ बंद है, आप इधर से उधर नहीं जा सकते, सख्ती से पालन गवर्नमेंट वहाँ की प्रशासन करवा रही है। अगर इमरजेंसी है तो पुलिस प्रशासन से अनुमति लेके ही आप जैसे इंडिया में जा रहे हैं वैसे वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पर छूट के नाम पर मेडिकल या फिर खाने के लिए या फिर जो इम्पोर्टेंट है जिसमें लाइफ उनके बिना नहीं चल सकती, वो छूट है मात्र, बाकी आपको घर में रहना ज़रूरी है, ये तो सबको पता ही है। बात करें कि कंपनियां बंद हो चुकी हैं, वर्कर घर पे बैठे हैं, काम बंद है, जॉब बंद है, तो भाई सैलरी भी बंद है। सैलरी का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, मुझे नहीं लगता सैलरी आपको जैसे 2-3 महीने अगर ये चलता है तो मिल पाएगी। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि पहले ये अफवाहें चल रही थी कि 15 तारीख से आप फ्लाइट ले सकते हैं, टिकट करवा सकते हैं, अपने अपनी कंट्री जा सकते हैं, इम्पॉसिबल। जिसको बढ़ा के 30 अप्रैल ऑटोमेटिक आज से ये मान लीजिए हो चुका है, 30 अप्रैल से पहले कोई टिकट नहीं है। चाहे आप सऊदी में बैठे हैं तो सऊदी रहिए, अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान नेपाल कहीं से भी हैं, तो आप नहीं आ जा सकते। चाहे आपका वीज़ा कैंसिल हो, चाहे आप कुछ भी हो आपके साथ, आपके जाना आना इम्पॉसिबल है लॉकडाउन होने की वजह से। इसका सीधा रीज़न है कोरोना वायरस का बढ़ता प्रभाव। ये कम होता तो धीरे धीरे सोचने पे मजबूर होती गवर्नमेंट, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इम्पॉसिबल है। दूसरी बात मैं बता दूं, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, आप चाहे सऊदी में बैठे हैं, चाहे आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे आप पाकिस्तान नेपाल बंगाल कहीं से भी बैठे हैं, इसमें बेस्ट न्यूज़ आपके लिए है कि मेन होता है बंदे का वीज़ा। अगर आप सऊदी छुट्टी आए थे, नहीं वापस जा पा रहे हैं, या फिर आपके पासपोर्ट में वीज़ा लगा था इंडिया में जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ होती है, वो एक्सपायर होने वाला है या हो जाएगा अप्रैल में, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप सऊदी में बैठे हैं, आपका खामा कैंसिल हो रहा है, आपका वीज़ा कैंसिल एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो आपका वहाँ की गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है कि 3 मंथ आपका ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा 3 मंथ के लिए, जिसमें अप्रैल मई और जून यानी इस ये महीना अगला महीना और उससे अगले महीने तक, चाहे आप इंडिया में छुट्टी आ गए, आपका वीज़ा एक्सपायर, आपको लग रहा है कि वीज़ा एक्सपायर हो गया, नेट पे आपको दिखा रहा होगा कि वीज़ा एक्सपायर है, लेकिन वो बढ़ चुका है। बहुत सारे लोगों के बढ़ के मैसेज आ चुके हैं जो मोबाइल नंबर उसमें अपडेट होते हैं उसमें कि भाई आपका खामा या आपका वीज़ा रिन्यू कर दिया गया है 3 मंथ के लिए, आपके पास भी आ जाएगा। मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, जो सऊदी में लोकल है उनको और इंडिया में है उनको भी भाई डरने की जरूरत नहीं है। मई अप्रैल मई जून के लिए आपका 3 मंथ का वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है, तो आप यहाँ से आपको लगता है कि अपना वीज़ा कैंसिल हो गया, छुट्टी आए थे, वापस नहीं जा सकते, जा सकते हैं, वीज़ा लगा हुआ है वो भी जा सकते हैं 3 महीने बाद या अप्रैल के बाद, जब भी ये लॉकडाउन ओपन होगा आपके लिए ठीक रहेगा। और टिकट कैंसिल है कुछ नहीं होने वाला, मैन तो वीज़ा की थी, तो भाई 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए। चाहे आप सऊदी में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आपका विजिट वीज़ा है, चाहे आपका वर्क परमिट वीज़ा है, चाहे आपका बिजनेस वीज़ा है, चाहे आपका रेजिडेंस, कोई भी वीज़ा आपका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन इन्फॉर्मेशन तो यही थी सऊदी वालों के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो साथियों वीडियो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज़ नई नई अपडेट जो भी मेरे पास आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। जय हिंद।